अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं यूनिक तरीके से मटके में पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये नया नया पाकिस्तान में मुतारफ़ हुआ है, तो यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये 1 कप मैंने मैदा लिया है, और 2 टीस्पून ऑयल है, और 1/4 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ईस्ट है, और 1 टीस्पून चीनी है, और हसबे ज़रूरत मैंने नीम गर्म दूध लिया। सबसे पहले इसमें मैं नमक डालूँ। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। ईस्ट डाला है इसमें, ये चीनी, और ये ऑयल भी डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसको गून लेंगे। इसमें मैंने 1/2 कप दूध डाला है, वो पूरा आ गया इसमें, और ये डो भी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा गूंदेंगे और इसको फिर हम रख देंगे। ये एक नॉर्मल डो है, ना ये बहुत सख्त है और ये ना बहुत नरम है। ये डो तैयार हो गई है। अब मैं थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगा रही हूँ। इसको मैं कवर करके इसको 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी राइस होने के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मटका पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है। इसके मैंने छोटे क्यूब्स में इसको मैंने काट लिया है। 1 टीस्पून ओरिगानो है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, 2 टेबलस्पून दही है, और ये थोड़ा सा मैंने सजावट के लिए टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को मैंने लंबाई में काटा है। ये मोज़रेला चीज़ है, और ये 3 टेबलस्पून मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिए है, और ये ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स लिए मैंने। 1 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है, 1/2 टेबलस्पून तिक्का मसाला है, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर है, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर है, और 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है कि आधी शिमला मिर्च मैंने बारीक चॉप की हुई है, आधा ही मैंने प्याज इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 अदद मैंने टमाटर लिया है, और ये 2 अदद मैंने मशरूम लिए इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया हुआ है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये इसमें दही डालेंगे, अब ये सिरका डाल देंगे, और ये जो सारे मसाले हमने लिए ये हम इसमें डाल देंगे, तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये चिकन मैरिनेट हो गया, अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। अब मैं एक पैन लूँगी और उसको गर्म करूँगी। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, ये 1 टेबलस्पून जितना मैंने ऑयल डाला है इसमें। ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इसको मैंने भून लिया अच्छी तरह से। इसको मैं 5-6 मिनट के लिए कवर करूंगी ताकि ये थोड़ा गल जाए चिकन। आँच मैंने इसकी दरमियानी की है। ये चिकन देखें, ये गल चुका हुआ है। अब इसमें थोड़ा पानी है, इसकी हम आँच तेज़ करेंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। ये चिकन अच्छी तरह भुन गया। अब इसको हम कोयला का धुआं देंगे। इसका हमने चूल्हा बंद कर दिया। अब ये फाइल का कवर है, कोयला हमने रखा हुआ था साथ ही चूल्हे पे। ये गर्म हो गया, अब हम इसको इस पर ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसको तब तक बंद रखेंगे जब तक ये धुआं अंदर ही ख़त्म नहीं हो जाता। ये डो राइज हो गई है, इसको अब हम बेलेंगे और इससे हम पीटा ब्रेड बनाएंगे, जिसको शवरमा ब्रेड भी कहते हैं। ये इसकी हम 2 पीटा ब्रेड बनाएंगे। आप इसको 1/2 कर लें, इसकी 2 हमने पीटा ब्रेड बनानी है। थोड़ा सा मैदा छिड़क लें ताकि बेलने में आसानी हो। आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा इसको मोटा हमने रखना है।
इसी तरह हम दूसरी भी बेल लेंगे। ये दोनों हमने पीटा ब्रेड बेल लिए हैं, अब इसको हम तवे पे सेक लेंगे। ये तवा हमने गरम कर लिया, इस पे अब हम पीटा ब्रेड बनाएंगे। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं जैसे बेक करते हैं। ऑयल नहीं डाला हमने, हमने ऐसे ही इसको नॉनस्टिक तवे पे डाला है और आँच हम इसकी दरमियानी रखेंगे। अब इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस लाइट सा गोल्डन करना है। और ये बहुत सॉफ्ट भी बनी है। ये पीटा ब्रेड तैयार हो गई है, अब इसे हम प्लेट में निकालते हैं। ये देखें दोनों साइडें इसकी बिल्कुल अच्छी तरह से लाइट गोल्डन हो गई हैं। अब हम इस पर ये दूसरी वाली डाल देंगे। ये भी तैयार होगी, इसे अब हम उतार लेते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये दोनों पीटा ब्रेड लिए मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स काटेंगे। इसके गरम गरम है तो ये आसानी से कट रही है, इसके हम छोटे छोटे क्यूब्स काट लेंगे। देखें ये सारी हमने इसी तरह कटिंग कर ली इसकी। अब सबसे पहले हम एक बाउल में पीटा ब्रेड डालेंगे। अब ये सारी सब्जियां और ये मशरूम जो है काटे हमने, ये काट डाल देंगे इसमें। और ये चिकन जिसको हमने पकाया था, ये भी, ये पिज़्ज़ा सॉस। इस पर थोड़े से ये ऑलिव्स डालेंगे, ये ग्रीन और ये ब्लैक वाले थोड़े हम इसमें डालेंगे, थोड़े ऊपर डालेंगे। और ये भी हम आधा आधा इसमें डाल देंगे, आधा हम ऊपर डालेंगे, ये ओरिगानो भी। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी चीज़ हम इसमें भी डाल देंगे, ये मोज़रेला चीज़ है। हाँ, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब ये हमने एक मटका लिया, छोटे साइज़ का ये मटका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। हम ब्रश से अच्छी तरह इसके ऑयल लगा लेंगे चारों तरफ। ये सारा हम कवर करेंगे ऑयल से। इसके हमने अच्छी तरह ऑयल लगा लिया सारा, साइडों से भी और अंदर भी। अब हम इसमें ये सारा मिक्सचर डालेंगे। ये आधा हमने डाल दिया, अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। अब ये थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगानो डाल देंगे। अब ये बाकी का मिक्सचर हम डालेंगे इसके ऊपर। ये सारा मिक्सचर हमने डाल दिया, अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। इसको हम ऊपर से फुल कवर करेंगे चीज़ से। ये जो हमने वो शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर काटे थे, इससे हम इसकी सजावट करेंगे। अब इसके ऊपर हम ग्रीन ऑलिव्स रखेंगे, ये ब्लैक ऑलिव्स रखेंगे इसके ऊपर। अब हम इस पर चिली फ्लेक्स और ये ओरिगानो डाल देंगे। ओवन को हमने प्री हीट कर लिया है, अब हम इसको उसमें रखेंगे 45 से 50 मिनट तक। इसको हम बेक करेंगे। 45 मिनट में बेक हो गया अच्छी तरह से। ये मटका पिज़्ज़ा तैयार है। ये बहुत चीज़ी बना है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब अगली रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।